Welcome to Digi for Tech. Please subscribe and press the bell icon. Samsung Galaxy A50 और Samsung Galaxy A30 के कुछ स्पेक्स निकल के आए हैं. इसके मुताबिक ये फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है 28 फरवरी 2019 को और ये कमर्शियल वे पे अवेलेबल हो सकता है मिड मार्च 2019 पे. Samsung Galaxy A50 के कुछ लीक्स से ये पता चलता है कि इसमें आपको 6.4 इंचेस का एमोलाइड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें आपको इसकी प्राइस हो सकती है 28,100 रुपये. इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा और ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन होगा. Redmi Note 7 Pro 28 फरवरी 2019 को बेंजिंग चाइना में लॉन्च होने वाला है. इसके कुछ लीक्स निकल के आए हैं. इसमें आपको पता चलता है 4GB रैम रहेगा 64GB स्टोरेज के साथ. रियर पे 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 वाला सेंसर रहेगा. सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का रहेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए. 6.4 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा. 4000 mAh की बड़ी बैटरी रहेगी. एंड्रॉयड 9 पाई ऑन द टॉप MIUI 10 के साथ. वेस्टर्न डिजिटल ने 1 TB का मेमोरी कार्ड शोकेस किया है MWC 2019 पे. इसकी प्राइस है 32,000 रुपये. गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट जल्द ही एंड्रॉयड मैसेज में आने वाला है साथ न्यू इंडिक लैंग्वेज सपोर्ट के साथ. इसकी मदद से अब आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं. रियलमी 3 के कुछ लीक्स निकल के आए हैं. इसके मुताबिक इस फोन का एंटूटु स्कोर मार्च ये है 1,37,976 और इसमें हीलियो का P70 SoC रहेगा. 4000 mAh की बैटरी रहेगी. रियर पे डुअल कैमरा सेटअप रहेगा. फ्रंट पे वाटर ड्रॉप नॉच रहेगा. ये फोन जल्द ही 4 मार्च 2019 को लॉन्च होने वाला है. MWC 2019 पे नए एक्सपेरिमेंटेड माइक्रो SD कार्ड के हाई स्पीड मॉडल शोकेस किए गए हैं. इसमें से सबसे टॉप वेरिएंट की स्पीड जाती है 985 MBPS तक, जो कि एक SSD लेवल का स्पीड है. इसमें 3 नए मेमोरी कार्ड को शोकेस किया गया है, जिसका नाम है माइक्रो SD HC1 एक्सप्रेस, सेकेंड है माइक्रो SD XC1 एक्सप्रेस, तीसरा है माइक्रो SD UC1 एक्सप्रेस. सोनी ने SBH-A2D ओपन ईयर वायरलेस हेडफोन लॉन्च किया है MWC 2019 पे. इसमें ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी सपोर्ट है. एक्टिव वॉइस नॉइस कैंसिलेशन के साथ एम्बिएंट साउंड सपोर्ट भी है इसमें. इसकी प्राइस अभी रिवील नहीं की गई है. MWC 2019 पे लाइव डेमोस्ट्रेट करके दिखाया गया है कि अंडर स्क्रीन चिप इम्प्लांटमेंट कैसे किया जाएगा और ये कैसे वर्क करेगा, बट ये अभी कमर्शियल वे पे लॉन्च नहीं किया गया है. एंड्रॉयड फोन में जल्द ही फिडो 2 सर्टिफिकेशन सपोर्ट मिलने वाला है सभी यूजर्स को. ऐसा गूगल ने कहा है कि जो भी यूजर एंड्रॉयड 7.0 नोगट है या उससे ऊपर के यूजर्स हैं, उन्हें सबको ये सपोर्ट मिलेगा. इस सपोर्ट से आपको ये फायदा होगा कि आपको किसी भी तरीके का फिंगरप्रिंट, पिन, पैटर्न, पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए. वीवो का सब ब्रांड IQ के कुछ स्पेक्स लीक होके आए हैं. इसके मुताबिक इसमें आप देख सकते हैं 2 नए कलर वेरिएंट है, जो कि एक ब्लू है और दूसरा है गोल्ड रेड कॉम्बिनेशन पे. इसके हार्डवेयर ये हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 SoC X50 मॉडेम सपोर्ट के साथ, यानी कि 5G इनेबल. दूसरा 6.4 इंचेस का एमोलाइड डिस्प्ले, 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी टाइप सी वाली USB चार्जिंग, 50 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ. रियर पे 3 कैमरे हैं, जिसमें से प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल का, सेल्फी कैमरा रहेगा पॉपअप वाला. अब देखना ये है कि ये किस प्राइस वैल्यू पे लॉन्च होता है. इसकी कुछ लीक से ये पता चलता है कि ये 1 मार्च 2019 को लॉन्च हो सकता है. सैमसंग के गैलेक्सी S10 के लॉन्च होते ही अब सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के भी रूमर आने चालू हो गए हैं. इस रूमर के अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 पे रियर पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप रहेगा 5G वेरिएंट सपोर्ट में. और इसके कुछ कोड नेम निकल के आए हैं SM-975F. ये इसका कोड मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का.
इसमें आपको देखने को मिल सकता है 6.75 इंचेस का एक बहुत बड़ा साइज का डिस्प्ले 4000 mAh बैटरी के साथ। 5G 4G नेटवर्क में फॉल्स पाए गए हैं। यूएस मार्केट के लिए AT&T, वेरिजोन, स्प्रिट और टी मोबाइल चारों ही नेटवर्क पे इस फॉल्स से कर रहे हैं। आपके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता था, इजिली हैक किया जा सकता था। और ये इस चारों का इफेक्ट का नाम दिया गया है टॉर्पीडो पेरसेव IMSI क्रैकिंग। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किए गए हैं यूएस मार्केट पे। ट्विटर ने अपॉइंट किया है नोडल ऑफिसर को ताकि ट्विटर रियल टाइम इश्यूज को जल्दी रेक्टिफाइड करके उसे सॉर्ट आउट कर सके और अपने यूजर्स को प्रॉब्लम फेस होने से बचा सके जल्द से जल्द बिना कोई बग्स इशू क्रिएट हुए। HTC ने एक 5G हब का होम डेमोस्ट्रेटर डिवाइस डेमो किया है जिससे आप डुअल 5G सपोर्ट यूज कर सकते हैं। इसमें 7660 mAh की एक बड़ी बैटरी है। VR स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप और ये अप टू पीक स्पीड 2 GBPS तक की स्पीड सपोर्ट करेगा। जैसे आपको कंटेंट है जो कि नेटफ्लिक्स पे 4K लेवल के कंटेंट स्ट्रीम करने हैं और भी बहुत सारी चीज VR पे 3D लेवल का ब्लूरे, मान लीजिए आपको PS5 को ऑनलाइन स्ट्रीम करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, इन सब चीजों पे ये यूज होगा। इसकी प्राइस अभी रिवील नहीं की गई है। गूगल Pixel 3 Lite, Pixel 3 XL Lite को स्पॉट किया गया है USFCC सर्टिफिकेशन पे। ये फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है, सम टाइम नियर अबाउट ऑटम, फिर स्प्रिंग पे ये लॉन्च हो सकता है इसी साल। अब देखना ये होगा कि ये किस प्राइस वैल्यू पे आता है। ने F6 300 Mbps का वाईफाई राउटर लॉन्च किया है। इसकी प्राइस है 1899 रुपये। ये वाईफाई 6 को भी सपोर्ट करता है। हुआवे ने कहा है कि अमेरिका के पास यानी कि यूएस के पास किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है कि हमने कोई 5G स्पेक्ट्रम के लिए स्पाइंग की थी, एलिवेशन किया था बार्सिलोना में। ऐसा हुआवे ने क्लेम किया है यूएस के अगेंस्ट। आईओएस का नया सर्वे रिपोर्ट से ये पता चलता है कि अब iOS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के 80% डिवाइसेस पे वर्क कर रहा है। अर्लियर 12% डिवाइस पे iOS 11 रन होता है और इससे पुराने डिवाइसेस पे अदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। मेरा सबसे पसंदीदा आईफोन का यही एक प्लस पॉइंट है कि iOS के अपडेट आपको ओल्ड डिवाइसेस पे भी देखने को मिलते हैं और ये जल्द ही रोल आउट होते हैं। इससे आपको नए फीचर्स का यूज करने में फायदा होता है। Xiaomi ने पार्टनर अप किया है लाइट के साथ ताकि वो अपने अपकमिंग फ्लेक्सिव ग्रेड फोन्स पे DSLR लेवल का कैमरा दे सके। लाइट के साथ नोकिया ने भी टाई अप किया है और निकाला है Nokia 9 PureView। जैसे कि आप जानते हैं Nokia 9 PureView में 5 कैमरा है और लाइट ने 2015 में 16 कैमरा वाला पोर्टेबल कैमरा लॉन्च किया था जिसे शोकेस किया गया था MWC पे। सोनी एक्सपीरिया का 5G वाला मोबाइल प्रोटोटाइप वाला शोकेस किया गया है MWC 2019 पे। ये जल्द ही लॉन्च हो सकता है। स्पॉटिफाई फाइनली इंडिया में एंट्री कर चुका है। अब ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे 30 डेज ट्रायल पीरियड के साथ मिलेगा। इसके प्राइस भी रिवील कर दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ₹119 एक मंथ का चार्ज है और ₹1179 एक साल का चार्ज है। इसमें कुछ एड ऑन टॉपअप पैक्स भी स्पॉटिफाई ने क्लियर किए हैं, जैसे कि ₹13 एक दिन का, ₹39 7 दिन का, ₹129 एक महीने का, ₹379 3 महीने का, ₹719 6 महीने का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट केयर करें, शेयर करें। थैंक यू।